नमस्कार। हम कक्षा अष्टमी के विषय विज्ञान में अध्याय पढ़ रहे हैं, चौथा, धातु और अधातु। हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, हम पढ़ रहे हैं धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत इन धातु और अधातु के रासायनिक गुण के अंतर्गत दो गुण पढ़ लिए थे। पहली थी धातु और अधातु की वायु के साथ या ऑक्सीजन से अभिक्रिया, और दूसरी पढ़ी थी हमने धातु और अधातु की जल के साथ अभिक्रिया। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे वो तीसरा रासायनिक गुण है, वो है धातु और अधातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे आज रासायनिक गुणों के अंतर्गत धातु और अधातु की, धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया यह हमारा तीसरा रासायनिक गुण है, धातु और अधातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। एक तो हम ये परीक्षण भी कर सकते हैं लैब के अंतर्गत कि जब जिंक के जो टुकड़े होते हैं उन जिंक के टुकड़ों का एक टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत विलयन डाल करके और उसके अंतर्गत बाद में अम्ल डालते हैं जो ही उसमें से गैस निकलती है उसके पास में जलती हुई तिल्ली ले जाते हैं तो हमें एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। उस ध्वनि को कहते हैं पॉप। वो पॉप ध्वनि जिंक के साथ जलती है तो वो पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है? पॉप ध्वनि दर्शाती है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकलता है कि जो धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। पूछ सकता कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, इनका हम परीक्षण भी कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब और जिंक के लिए एक धातु लेकर के और अम्ल को लेकर के। तो ये धातु हम धातु प्लस धातु ले ली कोई उदाहरण और प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी तो एक तो बन जाएगा क्या? एक तो बन जाएगा लवण। क्या बन जाएगा? लवण। और साथ के अंतर्गत जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस, जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, मैंने एक धातु ले ली, कौन सी? जिंक धातु ले ली। जिंक के टुकड़े आते हैं छिलन तो जिंक का सबसे पहले क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। फिर हमने उसके अंदर दस अम्ल डाल दिया। एक अम्ल का नाम होता है HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र और ये प्रतीक है, ये है जिंक का। आप तो पूछ ले कि जिंक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जिंक को हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखना, जस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्ता। HCl ये सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बना बताइए तो होता है HCl। तो बराबर क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या बन गया? लवण प्लस कौन सी गैस उत्पादित होगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कौन सी ध्वनि के साथ इसका परीक्षण होता है? तो पॉप ध्वनि प्रदर्शित करती है। पॉप ध्वनि के साथ और ये पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप ध्वनि किसको प्रदर्शित करती है? हाइड्रोजन गैस को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार अन्य हम उदाहरण ले लें, अन्य कोई धातु ले ली, अन्य धातु के अंदर जैसे कॉपर है, ध्यान रहे कि कॉपर धातु है, कॉपर या इसको कहते हैं तांब, और कॉपर का प्रतीक होता है Cu। कॉपर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तो किसके साथ अभिक्रिया करता है? यह H2SO4 H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करता है तो एक लवण बनता है जिसका नाम है CuSO4। ये सूत्र किसका है? ये तो है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 किसका सूत्र होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखिए या H2SO4 का रासायनिक नाम लिखिए। तो ये दोनों हो गए और ये बनने वाले लवण, इस लवण का नाम क्या होता है? इस लवण का नाम होता है कॉपर सल्फेट।
नाम होता है कॉपर सल्फेट नाम होता है। प्लस कौन सी गैस निकलेगी, तो धातुओं के अंतर्गत धातु के अंग के साथ अभिक्रिया कराओगे तो एक गैस निकलती है, कौन सी H2 गैस निकलती है। ये तीर का निशान ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए क्लोरीन के दो परमाणु है, यहाँ पर कितना है एक ही है, तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे दो, पीछे दो नहीं करना है, यहाँ पीछे दो करने से क्या होगा सूत्र परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सूत्र हमेशा समान रहता है परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम पूर्णांक या गुणांक के अंतर्गत आगे की ओर दो लगाते हैं, तो क्लोरीन के भी दो परमाणु हुए और दो हाइड्रोजन के भी दो परमाणु हो गए। तो ये दो उदाहरण ऐसे सभी अभिक्रिया हैं, हमारे पाठ में नहीं आई हुई है, लेकिन फिर भी आप कुछ अभिक्रिया ध्यान रखिए कि हमें अभिक्रिया नॉर्मल से अभिक्रिया करानी आनी चाहिए। एक और उदाहरण बता देता हूँ, जैसे सोडियम धातु, सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसकी HCl के साथ में अभिक्रिया कराएं तो क्या बन जाता है NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड लॉन बन जाता है, और प्लस कौन सी गैस निकल जाती है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी अभिक्रिया संतुलित कर दीजिए, दोनों तरफ बराबर परमाणु कर लेते हैं, ये दोनों तरफ परमाणु, ये सूत्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये Na प्रतीक किसका है सोडियम का प्रतीक है, और बनने वाला लवण क्या है, तो ये बनने वाला लवण बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया। ये साधारण इसका पूछे कि सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या होता है, तो साधारण इसका नाम होता है नमक नाम होता है, तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaCl, और नमक का रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम क्लोराइड, ये तो किसकी अभिक्रिया होगी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। दूसरा शेष क्या रहा अधातु, अधातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इतना ही ध्यान रखना है। प्लस यदि अधातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो अभिक्रिया नहीं होती है, आप इतना ही एक लाइन में याद रखना कि अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये तीसरा गुण हो गया रासायनिक गुण धातु और अधातु में, कौन सा गुण हो गया धातु और अधातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। चौथा गुण हम पढ़ते हैं, चौथा गुण है वो है धातु और अधातु की क्षार के साथ अभिक्रिया, एक गुण चौथा गुण देखते हैं, चौथा गुण धातु और अधातु की क्षार के साथ अभिक्रिया, धातु और धातु की सार के साथ अभिक्रिया, सार के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया धातु और अधातु, जैसे हमने पढ़ा था अम्ल के साथ अभिक्रिया, वैसे ही धातु है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके और क्या बनाता है एक लवण बनाता है, और साथ में क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये जो हमने परीक्षण धातुओं के अंदर किया था अम्ल के साथ अभिक्रिया, वैसा यही परीक्षण होता है, किसी धातु को टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसका विलयन बना करके जब उसमें सार डालते हैं, तो वो भी अगर जलती हुई तिली उसके पास में ले जाते हैं गैस के पास में, तो वह गैस है पॉप ध्वनि के साथ में जलती है, पॉप ध्वनि की बनाती है, तो वो किसको प्रदर्शित करती है वो हाइड्रोजन गैस को प्रदर्शित करती है। तो धातु है वो सार के साथ अभिक्रिया करके लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इससे कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण है वो आपके लेवल के नहीं है, थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, तो वो दसवीं तक की स्तर गए, इसलिए हम यहाँ कोई उदाहरण नहीं करते हैं, सीधा ही हम आगे चलते हैं कि अधातु क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं नहीं करते हैं, तो अधातु में क्षार के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, सीधे ही लिख देंगे कि अधातु क्षार प्लस क्षार के साथ अभिक्रिया बराबर क्या हो जाएगा नहीं करते हैं, ये गलत का चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा अधातु क्षार के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये कितने गुण हो गए धातु और अधातु के रासायनिक गुण में, चार गुण हो गए।
धातु और अधातु। पांचवा गुण है धातु, पांचवा जो मुख्य अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हम जो नेक्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा है, उस वीडियो के अंतर्गत एक पूरा विस्थापन अभिक्रियाओं का ही वीडियो पढ़ेंगे और शेष रहेगा धातु और अधातु के उपयोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।